आपको बायजूस की लर्निंग किट को अनबॉक्स करके दिखाया था। आपने वो वीडियो देख ली होगी, अगर आपने नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो जब हम बायजू का कोर्स परचेज करते हैं तो उसके साथ हमको बायजूस की तरफ से बुक्स भी प्रोवाइड होती हैं। जब हमारा लर्निंग किट आता है उसके साथ तो वो नहीं डिलीवर होती, बट उसके बाद विद इन वन वीक वो डिलीवर हो जाती हैं। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको ये बुक्स दिखाऊंगी, इनके बारे में बताऊंगी कि क्या कैसे है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं हूँ श्रेया और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद श्रेया में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 9 बुक्स का सेट है और 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, जो कि हैं साइंस एंड मैथ्स। तो हर इन दोनों सब्जेक्ट्स में क्या है कि 2 डिफरेंट टाइप की बुक्स हैं। एक बुक होती है आपकी लर्निंग की और एक बुक होती है आपकी प्रैक्टिसिंग की। तो चलिए ये साइंस की बुक्स मैं इधर रख दे रही हूँ और मैथ्स की इधर। फिर इधर आप देख सकते हैं, इधर प्रैक्टिस की है। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगी, पहले मैं इनको अलग अलग कॉलम्स में रख लूं। तो यहाँ पे 5 बुक्स साइंस की है और जो हमारी लर्निंग वाली बुक है उसमें लर्निंग की 3 बुक्स हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। सो एक बुक मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे पहले कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं पेजेस हैं और इधर लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन साइंस वॉल्यूम 1। यही चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्लास लिखा है और बायजूस की ब्रांडिंग की गई है। इधर आप अपना नेम लिख सकते हैं। उसके बाद हाउ टू यूज दिस बुक दिया गया है कि हर एक चैप्टर में आपको क्या कैसे मिलेगा। सो फर्स्ट आपको यहाँ पे टॉपिक नेम लिखा हुआ मिलेगा और उसके बाद रहेगा कि इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है जो आपको जाननी चाहिए वो रहेगा, और थर्ड में जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसमें क्या आपको पहले से पता था और आपके माइंड में क्या क्वेश्चंस आते हैं वो सब आपको नोट करना होगा। फिर कोई उससे रिलेटेड एक्टिविटी दी गई होगी और उसमें लिखा होगा कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, व्हाट यू विल नीड, और उसके स्टेप्स होंगे, फिर एक्सरसाइजेस होंगी और क्विक चेक होंगे, और अ थिंग टू रिमेम्बर एक बॉक्स में रहेगा, इन अ नटशेल ब्रेन टीजर्स होंगे, और जो आपने लर्न किया है वो आपको डेट और साइन के साथ आपको लिखना होगा, और फिर आपको आंसर्स मिल जाएंगे एक्सरसाइज के क्विक चेक्स के। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, टोटल 19 चैप्टर्स हैं और इधर पेज नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आपको दिखाया गया था कि कैसे आपको मिलेगा आगे हर चैप्टर में, वो सब दिया गया है। तो ये साइंस की बुक है और प्रैक्टिस वाली मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्रैक्टिस की बुक है। सो वॉल्यूम 1 देखते हैं। प्रैक्टिस की आपको 2 बुक्स मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट में, और फिर पहले आपको हाउ टू यूज दिस बुक मिलेगा कि आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको वर्कशीट्स इसमें मिलेंगी, क्योंकि ये कि जैसे कि आप लोगों को पता है ये प्रैक्टिस की है, तो आपको यहाँ पे वर्कशीट्स मिलेंगी जिनके 3 लेवल्स होंगे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। फिर क्विक नोट्स होंगे और यहाँ पे चैप्टर पेज नंबर दिया गया है और वर्कशीट्स वगैरह हैं। तो ये तो हो गई हमारी साइंस की बुक्स और ये मैथ्स की है। मैथ्स की हमें 4 बुक्स मिल जाती हैं, 2 लर्निंग की एंड 2 प्रैक्टिस की। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन मैथ्स वॉल्यूम 1 लर्निंग की बुक है ये। तो इसमें भी आपको सब बताया गया है कि आपको क्या कैसे यूज करना है, इसमें क्या चीजें आपको मिलेंगी, और टोटल 18 चैप्टर्स हैं इसमें, आप देख सकते हैं। और ये है हमारे मैथ सब्जेक्ट की प्रैक्टिस की बुक वॉल्यूम 1।
हाउ टू यूज दिस बुक, इसमें भी वर्कशीट्स रहेंगी 3 लेवल्स तक, क्विक नोट्स हैं और ये आप देख सकते हैं कंटेंट्स हैं इसमें। फिर इसको क्या आप देख सकते हैं पेजेस। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और मैं बायजू के कोर्स का रिव्यू भी शेयर करूंगी, उसको जरूर देखिएगा, और मिस ना करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।